हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज भी फिर से रेडी हुए हैं। आज फ्राइडे है ना, तो आज रेडी हुए हैं। मेरी फ्रेंड के घर पे मतलब गृह प्रवेश का फंक्शन है, तो इसलिए उधर जा रहे हैं। और अभी पता है 9 बज गया है, मतलब रात के 9 बजे। तो एक्चुअली पूरा दिन तो काम था ही। आज हम लोग का मतलब जो दुर्गा पूजा का तैयारी चल रहा था, उसका भी मतलब प्रैक्टिस का लास्ट डे था। तो उधर पूरा दोपहर गया, फिर घर पे आई, फिर बच्चे लोगों को मतलब स्कूल से प्रीतम को लेके आई, फिर प्रीति क्लासेस से आई। तो सब ऐसे ऐसे करके पूरा दिन गया है। तो रेस्ट पूरा दिन में बिल्कुल नहीं मिलता है, जो मतलब हम लोग का भी हालत है ना। पूरा दिन में मतलब एकदम सिर्फ रात का जो नींद है उतना सा बस, बाकी कुछ मिलता ही नहीं है रेस्ट करने के लिए। बाकी तो घर का काम बच्चे लोगों के पीछे चला जाता है। तो जो भी हो, ब्लॉग भी पता ही है ना कितने दिन से बनाया नहीं, या फिर गांव का ही ब्लॉग मतलब एडिट करके नहीं डाल पाई, तो ऐसे ऐसे हो गया। तो सोचा फिर से कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो मतलब मेरा एक मन था ना कि किधर भी कुछ भी एक मेमोरी के हिसाब से मतलब रहेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। तो जो भी हो चलो अभी रेडी हुए हैं। और प्रीति मतलब शाम को ही चली गई है क्लासेस से आने के बाद, उसको मतलब छोड़ के आई थी आधे रास्ते तक, तो दूसरे एक फ्रेंड के साथ वो चली गई है। और मैं और प्रीतम अभी रेडी हुए हैं, दोनों जा रहे हैं। और हस्बैंड तो नहीं जाएंगे, हस्बैंड काम से आया ही नहीं, तो अभी कैसे जाएंगे। तो चलो हम दोनों चलते हैं और फिर उधर जी के बात करेंगे, ठीक है? तो चलो। तो ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं इधर, और इसी बिल्डिंग में है, मतलब अभी अंदर जाएंगे। एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखो मतलब सोसाइटी का अंदर का दिखा रहे हो। और ये वाला लिफ्ट जो है ना, मतलब अभी न्यू चालू हुआ है ना, तो काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म हुआ नहीं। और इनके घर पे आ गई हूँ, और आके इधर का मतलब बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब दिन में भी बहुत सुंदर दिखेगा, और रात को भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस रोड से हम लोग आए हैं, तो बहुत सुंदर व्यू है एकदम, पूरा हमारे इंद्रलोक का है, तो मस्त व्यू है एकदम। और दिन में समुंदर भी दिखता है पूरा, मतलब वो मेरी फ्रेंड ने बताया कि समुंदर भी पूरा दिखता है, और बहुत ऊंचाई में है ना इसलिए। और इनका देखो मंदिर है, इधर ही सब पूजा वगैरह हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ा तो मतलब आई हूँ लेट करके, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर बैठ के फिर जाएंगे नीचे खाना खाने के लिए। तो चलो देखते रहो, आई होप सबको अच्छा लगेगा। तो ये देखो फ्रेंड का घर है, और वो जो ग्रीन कलर के साड़ी में है ना, वही मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड पहले थी, फिर अभी प्रीति के क्लास में मतलब उनकी बेटी आई है, तो इससे साथ साथ में वो लोग भी फ्रेंड बन गए एकदम, ऐसा है। और इनके पार्किंग से ना मस्त इधर का गार्डन दिखता है, मतलब जो हम लोग का इधर का जो गार्डन है, तो वो मस्त दिखता है। वो देखो तालाब भी है, उसमें बड़ा बड़ा मच्छी भी रहते हैं, हम लोग आते हैं ना बीच बीच में कभी कभी, तो मच्छी भी रहते हैं। तो मस्त एकदम पार्किंग से पूरा गार्डन दिखता है एकदम, मतलब वॉकिंग के लिए मॉर्निंग में इवनिंग में बहुत लोग आते हैं वॉकिंग के लिए उधर। और इधर स्विमिंग पूल भी है, तो वही दिखाने लेके जा रहे थे, स्विमिंग पूल है, नीचे जिम है, तो अच्छा लगा। मतलब ऐसे सिंगल है, मतलब जैसे ए विंग, सी विंग, बी विंग ऐसे ऐसे रहते हैं, तो इन लोग का एक ही विंग है, और एक ही विंग के अंदर सब कुछ है, तो अच्छा है, सोसाइटी बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते रहिए, ये सबका अच्छा लगेगा। तो इधर नीचे आ गए, खाना खा रहे थे अभी, मतलब पार्किंग में ही तो जगह है, उधर ही खाना वाना खाने का सब था, तो बहुत अच्छा था खाना, सिंपल में एकदम। तो हम लोग का खाना हो भी गया है, तो सोच रहे अभी घर जाएंगे, क्योंकि मतलब है ज़्यादा रात हो जाएगा, तो हस्बैंड नहीं है ना, तो बच्चे लोगों को लेके मैं अकेली जाऊँगी, तो इसीलिए। और ये देखो छोटा जो बाबू है ना, तो फ्रेंड के ही मतलब बेटा है, बहुत क्यूट है। और पता है हम लोग मतलब उधर फ्रेंड के घर से निकले रोड में, तो ऑपोजिट में ही देखा गणपति बन रहा है, तो सोचा इधर का एक बार मतलब वीडियो करती, इतने सारे गणपति हैं ना, बाप रे, मतलब एक तो गणपति आने वाला है, और इतने सारे मूर्ति इतने सुंदर करके डेकोरेट किया है ना, मतलब ये सब देख के मेरा ना एकदम क्या बोलूँ, देखते ही रह जाओगे, देखते ही रह जाओगे। और कैमरा में तो आधा भी नहीं आया,
मतलब इतने सारे बाप्पा का मूर्ति है, मतलब उन लोगों ने अभी मतलब बना रहे हैं। इधर देखो साइड में दिखाऊंगी, इन लोगों का काम चालू है। तो जिनको जैसे ऑर्डर आता है वो देखो सब काम चालू है इधर, वो देखो सब बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे करके ना रो कर करके मतलब इतने सारे गणपति बाप्पा है ना, मतलब पता नहीं कितने होंगे, काउंट करेंगे तो। पूरा ऐसे ना पर्दा टाइप का लगा हुआ है ताकि धूल मिट्टी ना गिरे, और फिर ऊपर से मतलब ऐसे बाप रे, मतलब एक दो तीन ऐसे ऐसे करके दोनों साइड में तीन तीन करके मतलब लाइन है, और एक एक लाइन में कितने सारे गणपति है आप सोच नहीं सकते। और ऊपर से कितना सारा मतलब ये भी है, बड़ा जगह है। और प्रीतम बुला के लेके आया ये वाला दिखाने के लिए, कितने क्यूट है ना एकदम। बस इतने इतने सुंदर सुंदर, इतने क्यूट क्यूट मूर्ति थे ना बाप रे। तो प्रीतम बोल रहे मम्मी ये सब देख के तो मतलब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग भी गणपति बैठे हैं। प्रीतम या प्रीति तो बोल रहे थे, इतने सुंदर और इतने सारे और सब अलग 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 अलग, ये देखो सब अलग अलग। बाप रे दिल खुश हो गया इधर आके देख के। हम लोग के बिल्डिंग के नीचे भी होता है, जैसे मैं पिछले मतलब पिछले बार का मेरा व्लॉग देखोगे उसमें है गणपति बापा का, एक हमारे बिल्डिंग के नीचे इधर मतलब बनाने का है बहुत ही एक, प्यारे तो प्यारे उधर हैं, बहुत इस सुंदर बार भी हैं। बन रहा है। लेकिन इतना सारा नहीं बाप रे, इतना सारा भी नहीं और इतने क्यूट क्यूट बाप रे, मैं तो देख के एकदम खुश हो गई। मतलब ना मैं वीडियो जो कर रही हूँ ना आधा भी नहीं वीडियो कर पाई, क्योंकि देखो ना कितना लाइन है ऊपर नीचे, मतलब इधर एक साइड का वीडियो करूँ तो दूसरे साइड छूट जाता है, दूसरे साइड का करूँ तो इधर छूट जाता है, फिर ऊपर भी है नीचे भी है। बाप रे सच में मैं गणपति बापा देख के खुश हो गई, मेरा जैसे दिन बन गया एकदम। इतने सुंदर सुंदर और इतने सारे देखो ना क्यूट इतने हैं ना बाप रे, क्यूट है ना एकदम, जिनके घर पे सब जाएंगे कितने खुश होंगे ना। ऊपर भी है सब। चलिए कभी बच्चे बड़े हो जाए फिर हम लोग भी देखेंगे इधर पूरा बापा को डेकोरेशन लेके आने लगा के हुआ लिए। है। और उसी के बाजू में देखो इधर एक तो रक्षाबंधन का है, सब राखी मतलब टंगा हुआ है, और ऊपर से गणपति के लिए सब पूरा डेकोरेशन का सामान मिल रहा है। मतलब एक गणपति का ये है, फिर साइड में डेकोरेशन का पूरा सिंहासन जैसे बनाते हैं वो सब का पूरा बड़ा करके दुकान है। वो देखो एकदम लास्ट में देखो सिंहासन, इधर भी राइट साइड में सब सिंहासन का। तो जैसे जैसे लोगों को मतलब चाहिए सब इधर से अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये देखो सिंहासन रेडी भी है इधर, मतलब जैसे बापा को लेके जाके बिठाते हैं ना। तो किसी को जानकारी चाहिए तो ये रामदेव पार्क में है, मतलब रामदेव पार्क के एकदम अपोजिट में है। ये देखो ये जो पार्क है इसके अपोजिट में ही है ये दुकान। तो चलो हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे, और रात भी हो चुके हैं ना। तो चलो सबको राधे राधे, गुड नाइट, एंड प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सबको राधे राधे एंड बाय बाय। मेरा ब्लॉग देखते रहना ठीक है।